हेलो जी, हैप्पी दिवाली। दिवाली की जो पूजा मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से दिखाऊंगी और किस तरीके से आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें रखना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाती हूँ फिर मैंने अपनी दिवाली पूजा में क्या क्या रखने वाली हूँ, मैंने क्या क्या रखा है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ। जो भी माँ लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ें होती है, माँ लक्ष्मी जी को पसंद होती हैं, वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ रखने की कोशिश करी है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। ये जो देखिए, ये वाले जो हैं ये गोमती चक्र हैं, छोटे वाला गोमती चक्र है, बड़ा ये पीली कौड़ी है। और मैंने मोती शंख रखा है, इसमें मैंने टाइगर कौड़ी रखी है, बड़ी वाली टाइगर कौड़ी, देखिए ये वाली टाइगर कौड़ी है, बिग साइज़ वाली। ये मोती शंख है और ये पीली कौड़ी है। यहाँ पर मैंने एक गोल्ड की रिंग रखी है। कहते हैं ना कि कोई सोना चांदी रखना ज़रूरी होता है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, सोना है चांदी अगर नहीं है तो आप पैसे रख सकते हैं, पैसे के सिक्के वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी धातु अवश्य होनी चाहिए। तो मैंने इसमें, और मैंने यहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख रखा है जिसमें जल भर के रखा है। इस जल को आप माँ लक्ष्मी के सामने रखा छोड़ दें और दूसरे दिन आप इसे अपने पूरे घर में छिड़क दें। ये जो मैंने पहनाई है माँ लक्ष्मी जी को, कमल गट्टे की माला पहनाई है। कमल, माँ लक्ष्मी जी हमेशा कमल पर विराजमान रहती हैं, तो कमल तो उनका प्रिय होता ही है। तो मैंने कमल की माला, कमल गट्टे की माला उनको पहनाई है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे मिठाई, फल, मेवा सभी चीज़ें रखी हैं। और इस तरीके से आप पोटली लेके इनको जब आपकी पूजा हो जाएगी रात भर, इनको ऐसे ही छोड़ दें। नेक्स्ट डे आप इस तरह की पोटली लेके इस सब चीज़ों को, जो कौड़ी है, गोमती चक्र है, ये सारी चीज़ें लेके इनको आप, खाने वाली चीज़ें नहीं, केवल जो गोमती चक्र, मोती शंख, कौड़ी वगैरह को आप इस पोटली में बांध के अपने लौकर या गल्ले वाली जगह पूरी साल भर रख के रख सकती हैं। इसी को मैं तो इसी को ही दोबारा से गंगा जल में स्नान करा के, गंगा जल से धो के इन्हीं चीज़ों को दोबारा यूज़ करती हूँ, तो आपको हर साल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती हैं, आप इनको रख के नेक्स्ट ईयर फिर इनको निकाल के आप इन्हीं से पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी मंदिर को सजाया है और डेकोरेट किया है। इस तरीके से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की जो भी प्रसन्न करने वाली चीज़ें वो मैंने रखने की कोशिश करी है। और मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ, आप देख सकते हैं। और इस तरह की आपको मोती शंख, कौड़ी, गोमती चक्र वगैरह अगर आपको चाहिए, तो मैं जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ उस पर आप, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप उससे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।